अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो सेट्स आपको दिए गए हैं आपने पिक करना है कि उन सेट्स में से वेल डिफाइंड कौन कौन से हैं। तो बेटा वेल डिफाइंड पिक करने के लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है व्हाइट बोर्ड पे। मैं ऐसे ही आपको यहाँ से रीड करके बता दूंगा कि ये सेट वेल डिफाइंड है और ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, और इसके साथ रीजन भी बताऊंगा। बेसिकली होता ये है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स बुक के एंड से देख के लगा लेते हैं और फिर हमें नहीं पता होता इस रीजन का कि ये आंसर आया कैसे है। तो मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेट वेल डिफाइंड क्यों है और ये सेट वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपके पास क्वेश्चन ये किया गया है कि ए इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो सेट बनेगा टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान का, ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो बेटा टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान हमें पता है कौन कौन से हैं, वो लिमिटेड भी हैं और हमें नाम भी पता है क्योंकि कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई। और दूसरी कंडीशन जो सेट की, हमें डिस्टिंक्ट वाली नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ वेल डिफाइंड बताना है कि वो हमें पता चल रहा है कि वो वेल डिफाइंड हैं या नहीं है। तो बेटा फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, वो वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स जो हैं पाकिस्तानी टीम के, हमारी जो नेशनल टीम है इसके टेस्ट क्रिकेट जो कैप्टन्स हैं वो वेल डिफाइंड है क्योंकि एक कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। सेकंड पार्ट है बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। अब बेटा जो टेस्टी फूड आइटम्स हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो बेटा अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए फूड आइटम्स टेस्टी और हैं, आप अपनी बात कर रहे हो तो आपके लिए वो और हैं, किस कोई और बंदा बात करे तो उसके लिए कुछ और होंगी। तो ये बेटा सेट वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी सेट वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स हमें पता है जब से पाकिस्तान बना कौन कौन से आए, लियाकत अली खान और दूसरा है भुट्टो साहब आए, उससे ऑनवर्ड जो सारे हैं, तो ये भी हमें पता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी सेट वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट बेटा है डी इज इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब बेटा जो स्टूडेंट्स हैं नॉटी स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो बेटा एक क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स ज़्यादा सारे हो सकते हैं, किसी और टीचर के लिए और स्टूडेंट होंगे, मेरे लिए और स्टूडेंट होंगे, तो ये बेटा सेट वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर्स, ये भी एक सेट वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि एक कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है मैथमेटिक्स टीचर। अब आपको एक कैटेगरी पता चल गई कि यहाँ मैंने उन टीचर्स के नाम लिखने होंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो ये भी सेट वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज इक्वल टू लार्ज नंबर्स। अब बेटा लार्ज नंबर तो बहुत सारे हैं, हमें यहाँ कोई कंडीशन या कुछ नहीं बताया गया कि लार्ज नंबर कौन से लिखने हैं, तो ये भी सेट नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, क्या मतलब कि आप जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे का कैपिटल कौन सा है? तो ये भी सेट वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि अगर मैं सुबह पंजाब में रहता हूं तो इसका कैपिटल मुझे पता है इस्लामाबाद है, अगर सिंध का पूछा जाए तो वो उसका और है, तो ये भी एक सेट वेल डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी गेम्स पसंद है, तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि मुझे कौन कौन सी गेम्स पसंद है, ये कैटेगरी सिलेक्ट हो गई और ये भी सेट वेल डिफाइंड हो गया। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन में कौन कौन से सेट्स वेल डिफाइंड थे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ, जो एट्थ नंबर पे सेट्स थे, ये जो मैंने सारे नाम बोले ये सारे सेट्स हमारे थे वेल डिफाइंड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, इफ पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड क्यू इज इक्वल टू ए बी सी डी।
चार एलिमेंट्स पी सेट के हैं और चार ही क्यू सेट्स के हैं। राइट द सिंबल्स बिलोंग और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब बेटा ये क्वेश्चन था बुक यहाँ बोर्ड पे सॉल्व होने वाला, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। वो जो पहला क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, इसलिए मैंने आपको वैसे समझा दिया। अब बेटा स्टेटमेंट ये है कि ये पी सेट है, ये क्यू सेट है। आपने क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं इनमें ये दो सिंबल लगाने हैं। इस सिंबल का मतलब बिलोंग टू और इस सिंबल का मतलब है नॉट बिलोंग टू। अब बेटा ये सिंबल कैसे लगाने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये सिंबल कहां लगने हैं। पहला क्वेश्चन है टू, आगे ब्लैंक है, आगे है पी। अब बेटा अगर टू पी में है तो ये सिंबल लगाना है, ये वाला, इसका मतलब है बिलोंग टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू। यानी अगर टू पी सेट में है तो हम ये लगा देंगे सिंबल, ये मैंने सिंबल लगा दिया। अब देखें फाइव, फाइव पी में है, फाइव जो है पी सेट में है तो हमें नजर आ रहा है कि पी सेट में फोर तक नंबर्स हैं और फाइव नहीं है, इसलिए हम ये साइन लगाएंगे नॉट बिलोंग टू। फाइव नॉट बिलोंग टू पी, फाइव पी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिलोंग टू पी, तो पी सेट में तो सिर्फ नंबर्स हैं, अल्फाबेट तो है ही कोई नहीं, तो यहां भी ये सिंबल आएगा जो कि है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बिलोंग टू क्यू, क्यू सेट की अब बात आ रही है, तो क्यू सेट में ए बी सी डी चार एलिमेंट्स हैं और चारों अल्फाबेट्स हैं, तो डी भी क्यू सेट में है, इसलिए मैं ये यहां सिंबल ये लगा दूंगा बिलोंग टू वाला। नेक्स्ट जी, जी क्यू सेट में है, नहीं है, तो मैं ये लगा दूंगा सिंबल नॉट बिलोंग टू। आगे है थ्री, थ्री क्यू सेट में है, मैं कहूंगा नहीं है, क्यू सेट में तो सारे अल्फाबेट्स हैं। तो ये हमारे इस तरह से ये ब्लैंक्स फिल हो गई और आपको समझ भी आ गई होगी कि ये सिंबल कहाँ और कैसे लगाने हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट ये है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एटसेट्रा। अब बेटा आपने करना ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके सेट्स बनाने हैं, सेट्स बना के सेट्स के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। आपको स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट में बताया जाएगा कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट ये है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब बेटा मैं सिर्फ इसका यहां आंसर लिखूंगा, आपने क्वेश्चंस बुक से देखने हैं। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, हमने इसका सेट बनाना है और उसको कोई नेम भी देना है, ए से लेकर ऑनवर्ड कोई भी नेम दे सकते हैं आप। तो मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि मुझे बताया गया था कि काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10 लिखने, 10 से कम काउंटिंग नंबर्स। तो बेटा 10 से कम 9 तक होते हैं, 1 से स्टार्ट होके 9 तक नंबर्स आते हैं काउंटिंग नंबर्स में। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वाउल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब बेटा आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक वर्ड लिखा हुआ है इमेजेस, ये वर्ड है। अब बेटा आपने सेट बनाना है और सेट में क्या लिखना है, इस वर्ड के वाउल्स अल्फाबेट्स। अब इस वर्ड में कौन कौन से वाउल्स आ रहे हैं, वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इसमें पहला वर्ड आया आई, पहला अल्फाबेट, आई के बाद ए आया और उसके बाद ई है। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि इमेजेस वर्ड में वाउल्स तीन आए हैं, आई ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो जो वर्ड है इसके लेटर्स का आपने सेट बनाना है। तो इसका सेट कैसे बनेगा, ये आपने ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद एम कॉमा ए कॉमा
एन कॉमा जी कॉमा और ओ, ये आपने बेटा सेट्स बना दी। अब बेटा उसने ये भी कहा था कि आपने उन सेट्स को कोई ना कोई नेम देना है, तो इसको हमने ए का नाम दिया था, इसको बी दे देते हैं और इसको सी का नाम दे देते हैं इस सेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं? तो बेटा आपको पता होगा कि नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं, व्हाइट और ग्रीन। तो हम यहाँ आंसर इसका लिख देते हैं, इसका है फोर्थ पार्ट और इसका आंसर क्या आएगा, व्हाइट और ग्रीन। यहां तक हमने सेट्स को नाम दिए थे सी तक, आगे इसको डी का नाम दे देते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा व्हाइट और ग्रीन। ये बेटा ये भी सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। नंबर्स लेस देन 25 हो और डिविजिबल बाय 5 हो, 5 पे डिवाइड होते हो और 25 से लेस देन हो, ये हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। इसका आंसर क्या होगा, यहां डी आ गया, यहां इस सेट को मैं एफ का नाम दे देता हूं। अब आपने वो नंबर लिखने हैं जो 5 के टेबल में आए और 25 से कम हो। 5 के टेबल में क्या आता है, 5 10 15 और 20, ये सारे नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं और 25 आपने नहीं लिखना क्योंकि उसने बताया है कि डिविजिबल 5 डिविजिबल बाय 5 और लेस देन 25, 25 से कम लिखने, 25 नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो इस सेट को हम किसी और लेटर का नाम दे देते हैं जी, और रेनबो में कलर्स कौन कौन से होते हैं? कलर होता है रेनबो में ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। और बेटा रेनबो में कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और ये आपने कलर्स यहां लिख के इस सेट को क्लोज कर देना है। ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, इंडिगो होता है, वायलेट होता है, तो ये सारे कलर्स आपने यहां लिख देने हैं, मैंने तीन ही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि है मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, आपने करना ये है कि वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 के टेबल में आ रहे हैं और 15 से कम है। तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3, 6, 9 और 12, ठीक है बेटा। ये आपके आगे नंबर्स लेस देन 15 और मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब जो नंबर्स 3 के टेबल में आ रहे हैं और 15 से कम, अगला नंबर यहां 12 से आगे 15 आता है, तो हमें क्वेश्चन ये में ये बताया गया है कि आपने लेस देन 15 लिखने हैं, 15 नहीं लिखना। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। आपने बताना ये है कि कौन सा क्वेश्चन, यानी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उस स्टेटमेंट का सेट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, क्या ये सेट है या नहीं है? तो बेटा स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ इन अ टाउन, अगर एक टाउन की बात की जाए तो इधर भी यही लिखा हुआ है इन अ टाउन में स्ट्रॉन्ग पीपल, तो वो सेट बनता है कि नहीं। सेट बेटा बनने के लिए जरूरी ये है कि वो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। एक टाउन में जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो ज्यादा सारे हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं हो सकता, और इसमें क्या हो सकता है, रिपीटेड भी आ सकते हैं, तो बेटा ये सेट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास।
आपकी स्टूडेंट आपकी जो एक क्लास है उसके स्टूडेंट्स का एक सेट बन सकता है, क्योंकि हमें पता है ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास है, फॉर एग्जांपल सिक्स क्लास है तो उसके ये इतने स्टूडेंट्स हैं और उनका एक सेट बन सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर का, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। एक असेंबली जो होती है, एक सूबे की असेंबली, उसके मेंबर्स, तो उसका भी सेट बन सकता है, क्योंकि उसमें एक हमारे पास कैटेगरी भी आ गई और हमारे पास इसमें हो सकता है लिमिटेड आ सकते हैं नेम्स, तो ये भी एक सेट बन सकता है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, जो है फेमस फिल्म एक्टर्स। अब बेटा फेमस फिल्म एक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं और उसमें आपको ये भी क्लियर नहीं हो सकता कि ये कौन कौन से हैं, कितने नाम हैं, आपके लिए और हो सकते हैं, किसी और बंदे के लिए वो और हो सकते हैं, तो ये भी सेट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब में कितने रिवर्स हैं हमें पता है, पांच हैं और उनके नाम भी आते हैं, तो ये भी एक सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। आपके जो नेबरहुड है, आपके जो हमसाए हैं, उनमें ऑनेस्ट पीपल कौन कौन से हैं, तो ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इनमें से ऑनेस्ट कौन कौन से हैं, और ये भी सेट नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास कितने सेट बने हैं, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड और फिफ्थ, सिर्फ वही सेट बन सकते हैं, उनके आगे आपने लिख देना है सेट, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिख दें एस लिख दें, बाकी सब के आगे ns, ns means not set। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1A जो आज हमने कंप्लीट सॉल्व की, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करें।